कलर्स टीवी के शो नागिन 3 में नजर आने वाली एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी आजकल नागिन 3 में अपने रोल को लेकर खासा चर्चे में बनी हुई हैं। बता दें कि अनीता ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1998 में एक तेलुगु फिल्म से की थी। अगर बात करें हम अनीता के हिंदी करियर की तो 2003 में अनीता कुछ तो है हिंदी फिल्म से अपना करियर बनाना शुरू किया और इसके बाद अनीता को एक के बाद एक फिल्म में रोल मिलने लगे और अनीता ने कई सारी फिल्मों में काम किया जैसे कृष्णा कॉटेज, ताल जैसी कई सारी फिल्में। उसके बाद वो टीवी के भी कई सारे शोज जैसे काव्यांजलि, ये है मोहब्बतें, त्रिदेवियां और भी कई सारे सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं और अब वो नागिन 3 में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अनीता की जिंदगी से जुड़ा एक और राज है जो हर कोई नहीं जानता और वो ये है कि अनीता का असली नाम नताशा हसनंदानी है जिसे बदलकर उन्होंने अनीता रख लिया। अब ये तो नहीं पता कि इस नाम को बदलने का कारण क्या था, लेकिन जो भी है उनका ये नाम काफी खूबसूरत है। एक इंटरव्यू के दौरान अनीता ने बताया कि वो अपने आप को काफी खुश नसीब मानती हैं क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है जिसमें उनकी माँ होम मेकर और पापा बिजनेस मैन है, लेकिन फिर भी अपने दम पर उन्होंने अपना सक्सेसफुल करियर बनाया है जिसको लेकर वो हमेशा खुश रहती हैं और आगे अपने आप को एक मिसाल साबित कर सकेंगी अपने आने वाले फ्यूचर में। नेक्स्ट9life से चांदनी की रिपोर्ट।